बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब आप गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने जाते हो या नानी के घर जाते हो तो आप कैसे जाते हो? मैम हम तो बस से जाते हैं। मैम हम इन छुट्टियों में तो पहाड़ों पर गए थे और कार से गए थे। बच्चों आपने ऐसी गाड़ी देखी है जो छुक 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 करके चलती है? मैम मुझे पता है, उसे रेलगाड़ी कहते हैं। और इन छुट्टियों में तो मैं अपनी नानी के घर गई थी ट्रेन में बैठकर, बहुत मजा आया था। और मैम एक बात और बताऊं, हमारी दिल्ली में तो मेट्रो चलती है, वो भी बिजली से। मैम ओमना भी तो बता रही थी वो राधा के साथ ट्रेन में बैठकर केरल जा रही है घूमने के लिए। अरे हाँ वो दोनों भी तो जा रही है। चलो जानते हैं कि ओमना का सफर कैसा रहा। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा आज बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। लेकिन सफर से दो दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाई टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। अब राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई, कितनी तैयारी जो की थी दोनों ने मिलकर। तभी राधा की माँ को एक उपाय सूझा। उन्होंने ओमना से कहा, ओमना तुम अपने पूरे सफर की बातें डायरी में लिखती रहना, जब तुम वापिस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। यह बात दोनों सहेलियों को बहुत अच्छी लगी। ओमना ने सफर में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें उसमें लिखती रही। दोपहर का समय था, स्टेशन पर पहुंचते ही सबसे पहले हमने अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे और जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधी धाम कच्छ से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे और कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। हम भी जैसे तैसे चढ़ गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और कुछ ही देर में टिकट चेकर भी आ गया। उसने सभी की टिकटें देखी। वह देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, उन्नी और मुझे बीच वाली, और सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के बैठे थे। मैं यह सब कुछ खिड़की के पास बैठकर लिख रही हूँ। लगता है अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, ना जाने कितनी सारी चीजें लाई है अम्मा। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। चलो चलो पहले मैं खाना खा लेती हूँ, बाकी बातें तो बाद में ही लिखूंगी। पहले पेट पूजा फिर काम कोई दूजा। बच्चों जब आप कभी घूमने जाते हो तो क्या अपने साथ सफर में खाना ले जाते हो? मैम हम तो खाना साथ ले जाते हैं। मेरी मम्मी कहती है घर का खाना शुद्ध और पौष्टिक होता है और बाहर का खाना खाने से कभी कभी बीमार भी पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने, घर का खाना पौष्टिक और साफ सुथरा होता है। अच्छा बच्चों मुझे बताओ, अब ट्रेन के डिब्बे में धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? मैम क्योंकि लोग एक ही दरवाजे से तो उतर रहे थे और उसी दरवाजे से चढ़ भी रहे थे, इसलिए दरवाजे पर धक्का मुक्की हो रही थी। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। कभी भी ट्रेन या बस में चढ़ते समय धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, इससे चोट लग सकती है। कौन बताएगा कि टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं? टिकट चेकर यात्रियों के टिकट की जांच करता है और बिना टिकट
यात्रियों से जुर्माना वसूलता है। अच्छा बच्चों, आप टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? मैम, टिकट चेकर ने काला कोट पहना होता है। बिल्कुल सही बताया बेटा, टिकट चेकर अपनी यूनिफॉर्म, काले कोट और बैच द्वारा पहचाने जाते हैं। बच्चों, ओमना बताती है कि दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग तो सो गए, पर मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही, यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़ रहे थे, कहीं कहीं तो छोटे छोटे गांव भी दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। पता है, जब ट्रेन इतनी तेजी से चलती है तो बाहर की सभी चीजें उल्टी दिशा में भागती हुई दिखाई देती हैं। कभी आपने भी ऐसा महसूस किया है? कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, लेकिन अब शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। बाहर आसमान में संतरी रंग का सूरज जो कि डूब रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैंने अहमदाबाद में इससे पहले कभी डूबते सूरज पर ध्यान नहीं दिया। क्या आप सबने भी कभी ध्यान दिया है कि डूबता हुआ सूरज कितना खूबसूरत दिखाई देता है? हम अभी अभी वलसाड़ स्टेशन से निकले हैं। वहाँ ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीजें बेचने वालों का बहुत शोर था। चाय गरम, चाय चाय, गरम चाय। एक तरफ से तो आवाज आ रही थी, बटाटा बड़ा, पूरी साग, दूध ले लो, ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीजें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए थे। बच्चों, ओमना ने खिड़की से बाहर क्या क्या देखा? मैम, मैं बताऊं? हाँ बेटा, आप बताइए। मैम, ओमना ने खिड़की से बाहर सूखे भूरे मैदान, छोटे छोटे गांव देखे, और स्टेशन पर ओमना ने विभिन्न तरह की खाने पीने की चीजें बेचने वालों को भी देखा। अच्छा बच्चों, बताओ रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीजें बिकती हैं? मैम, रेलवे स्टेशन पर तो बहुत सारी चीजें बिकती हैं, जैसे नमकीन, बिस्किट, रोटी सब्जी, चाय, पानी, फल, चना, चिप्स और मिठाइयाँ भी, और बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक भी बिकती हैं, किताबें और खिलौने भी होते हैं। शाबाश बेटा, बहुत सही बताया आपने। बच्चों, ओमना ने बताया कि उसने ट्रेन में बैठे हुए बच्चों से दोस्ती कर ली और उनका नाम था सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे थे। कोझिकोड केरल में है, और आपके टीचर आपको दिखाएंगे कि नक्शे में केरल कहाँ पर है। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं रेलवे स्टेशन पर ये लोग क्या क्या काम करते हैं। जैसे कुली लोगों का सामान उठाता है, गार्ड गाड़ी को उचित सिग्नल देकर ठीक ढंग से चलाने के निर्देश देता है, और ड्राइवर क्या करता है? बिल्कुल सही, ड्राइवर रेलगाड़ी चलाता है, और टिकट चेकर यात्रियों की टिकट की जांच करता है, और बिना टिकट यात्रियों का जुर्माना लेता है, और सिपाही यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, और सफाई कर्मचारी स्टेशन तथा रेलगाड़ी में सफाई करते हैं, और टिकट विक्रेता टिकट बेचती है। तो बच्चों, अब समय है अभ्यास कार्य करने का। आपने अभी तक ओमना के सफर और रेलवे स्टेशन के बारे में जो भी कुछ जाना है उन्हें इन प्रश्नों के माध्यम से बताएंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और अपने टीचर से भी जांच कराएंगे।